हेलो एवरीवन, भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैंने बनाया है इसे स्प्रिंग रोल कहते हैं, और ये मैंने मैदे से नहीं बनाया है, चावल के आटे से बनाया है। तो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, तो आप लोग रेसिपी बिल्कुल से ट्राई कर सकते हैं। और इसे बनाना ना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत औसम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में डाला 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, इसमें थोड़ी सी प्याज हरी मिर्च डाल दी, आप चाहे तो लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। इसके बाद सभी वेजीज, मैंने गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, इन तीनों वेजिटेबल्स को इसमें लंबा लंबा कट करके डाल दिया है। इसको चलाते रहेंगे और ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक स्टार्टिंग में इसलिए डाल दिया ना जिससे सब्जियों को गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए 5 मिनट में सब्जी गल गई। अब मैंने इसमें डाला है सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर। मेरे पास कोई भी केचप नहीं था तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी जिससे केचप वाला जो टेस्ट होता है वो आ जाए। और फिर डाला पनीर के कुछ टुकड़े और इसे ढक दिया। ढक के हम इसे 5 मिनट तक साइड में रख देते हैं, लो फ्लेम पे पकने देते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में लिया पानी करीब 2 कप, इसमें डाला मैंने 1.5 कप मैदा और थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हमें बिना लम्प्स बने कि मतलब लम्प्स नहीं बनने चाहिए, इस तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल डो की फॉर्म में आएगा ये। अब देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। इधर हमारी वेजिटेबल्स सब अच्छे से पक चुकी थी तो मैंने इनको निकाल लिया एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। और आप कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है ना वेजिटेबल्स का। इधर हमारा जो चावल का डो था ना वो भी इस तरीके से हो गया है। तो ये रफली है, हमें इसे धीरे धीरे ठंडा करते हुए हाथ से बिल्कुल डो की फॉर्म में लाना है। तो हल्का सा मैंने अब इसके ऊपर ऑयल लगा लिया, हाथों में लगा लिया और आटे पे लगा लिया जैसे चिपके ना। तो इसको बहुत सावधानी से बेलना है क्योंकि चावल का आटा है तो बिल्कुल बार बार ना फट सा जाता है इधर उधर से अगर ज़रा भी लापरवाही होती है। तो मैंने परथन लगा के वही चावल के आटे का सूखा आटा लगा लगा के इसको इस तरीके से बेल लिया है। और इसको अब हम जो आपको शेप देनी है ना वो शेप आप इसको दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको स्प्रिंग रोल का ही शेप देना है, क्योंकि इसमें शेप बहुत टफ़ तरीके से मतलब आती है। तो पहले तो मैंने इस तरीके से लंबा बनाने की कोशिश की तो मुझे लगा ज़्यादा बड़ा होगा तो टूट जाएगा, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इस तरीके से रैप कर लिया। रैप ये बहुत ईजिली हो जाता है क्योंकि चावल का आटा इतना सॉफ्ट होता है, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल स्प्रिंग रोल जैसा होता है ना उस तरीके से इसको रैप कर लिया है। सेम इसी प्रोसेस से हमको सारे स्प्रिंग रोल बना लेने हैं। और यकीन मानिए अगर ये वाले चावल के आटे के स्प्रिंग रोल आप एक बार बना के खाएंगे ना तो आप मार्केट वाला बिल्कुल भूल जाएंगे, और इसकी फीलिंग भी इतनी टेस्टी बनी है। अब मैंने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई और इसमें हम एक एक करके सभी स्प्रिंग रोल को जितने आ जाएंगे उतने मैं इसमें डाल दूँगी। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है जिसे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए अंदर तक। और अब मैं इसे जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना तो निकाल लूँगी। और चावल का आटा है जो कि तो ये अच्छा खासा क्रिस्पी हो जाता है, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि चावल का आटा काफ़ी कुरकुरा होता है फ्राई करने के बाद। और देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, लग रहा है ना बिल्कुल स्प्रिंग रोल जैसा। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और चैनल पे अगर नए हैं, आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।